डियर स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 13.4। आज अपना टॉपिक है स्फीयर। स्फीयर सपोज कर लेते हैं कोई भी रबर बॉल है, वो क्या होगी? स्फेरिकल, स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर है, इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों सेम ही होते हैं, तो इसका फार्मूला होगा 4πr². इसको हमने हाफ कट कर दिया, हाफ कट कर दिया तो ये क्या बन गया? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया तो क्या होगा? केवल ये वाला, ये वाला क्या होगा? CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका फार्मूला है 2πr² और टोटल निकालेंगे तो ये और ऐड हो जाएगा, ये क्या है? πr² तो 2πr² प्लस में πr² इज इक्वल टू 3πr². क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है डायमीटर ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ? 14 सेंटीमीटर। यहां से हम रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस कितनी आ जाएगी? डायमीटर बाई में 2, 14 बाई में 2 कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर रेडियस आ चुकी है इसकी। तो इसमें क्या पूछा? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है? 4πr². तो 4 × 7 × 7 × 7 कैंसल आउट हो गया, तो ये आ गया 616 cm². इसमें फोर्थ सम है, इसमें एक बैलून दिया हुआ है, शुरू में तो बैलून की रेडियस है वो कितनी है? 7 cm। इसको पंप किया गया, हवा भर दी गई है, हवा भरने पे सेकंड केस में ये इन्फ्लेट होगा, इन्फ्लेट होने के बाद रेडियस कितनी होगी इसकी? 14 cm। तो केस नंबर फर्स्ट, जब रेडियस 7 cm तब हमने एरिया निकालना है इसका, सरफेस एरिया, और जब इन्फ्लेट होगा 14 cm होगी तब सरफेस एरिया निकालना है, और दोनों का रेशियो बताना है। तो R1 हमने मान लिया कि 7 cm, उसके बाद R2 आफ्टर इन्फ्लेट 14 cm। सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन फर्स्ट केस में 4πr1 का स्क्वायर मीन्स 4π7 का स्क्वायर। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन सेकेंड केस में 4πr2 का स्क्वायर, 4π14 का स्क्वायर। तो दोनों का रेशियो लेना है, सरफेस एरिया इन फर्स्ट केस बाई में सरफेस एरिया इन सेकेंड केस। फर्स्ट केस में 4π7 का स्क्वायर, 4π14 का स्क्वायर, 4π से 4π कैंसल आउट हो गया, 7 × 7 14 × 14 2 2, तो 1/4 मीन्स रेशियो का 1:4। जो फर्स्ट केस में है 1 और सेकंड केस का क्या आ जाएगा? 4, इसका 4 टाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ? 154 cm². हमें निकालनी क्या है? रेडियस। तो रेडियस हमने मान ली आर सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? 4πr² 154, 4π 22 बाई में 7 आर स्क्वायर 154, आर स्क्वायर 154 है, 7 यहां डिवाइड है, उस साइड आगे मल्टीप्लाई, आर के आर स्क्वायर के साथ ये और ये मल्टीप्लाई है, तो इस साइड आगे डिवाइड, तो ये कैंसिल आउट हो गया 7 पे, 7 × 7 = 99 बाई में 4। तो आर क्या हो जाएगा इसका? स्क्वायर रूट 49 का स्क्वायर रूट 7, 4 का 2, तो रेडियस कितनी आ गई? 7/2 cm। क्वेश्चन नंबर 9, स्फीयर दिया हुआ है, तो स्फीयर की रेडियस वो दी हुई है आर। ये किसके अंदर है? सिलेंडर के अंदर इनक्लोज है,
तो ये आर है, इसकी रेडियस ये भी आर है, तो ये रेडियस जो सिलेंडर की होगी वही किसकी होगी, स्फीयर की। तो हम लिखेंगे यहां पे रेडियस ऑफ सिलेंडर जो स्फीयर की है वही होगी आर सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट ये होगी टोटल हाइट यहां से यहां तक आर, यहां से यहां आर, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टू आर। तो अब क्या पूछा उसने, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो फोर पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सी एस ए क्या होता है, टू पाई आर इंटू में एच, तो टू पाई रेडियस तो आर ही है और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, टू आर। तो टू टू जा फोर पाई आर स्क्वायर, रेशियो पूछा है इसने दोनों का, तो रेशियो क्या हो जाएगा, फोर पाई आर स्क्वायर, फोर पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वन बाई वन मीन्स वन रेशियो वन। थैंक यू।